ये है इन्फिनिक्स का स्लिम सीरीज़ का लैपटॉप। ये इंटेल कोर i3, i5 या फिर i7 वेरिएंट में अवेलेबल है। एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में आता है। इसका वज़न है तकरीबन 1.24 केजीज और थिकनेस है 14.8 mm। एल्युमिनियम एलॉय मेटल बॉडी का उपयोग किया गया है और ये स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट लैपटॉप है इस सेगमेंट का। तो इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला हूं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको i3, i5 या फिर i7 के लिए जाना चाहिए। देखते रहिए। यह है इन्फिनिक्स इनबुक X1 स्लिम, इन्फिनिक्स का नया लैपटॉप। एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है और इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आता है। चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो बॉक्स में ये है लैपटॉप। अब मुझे ये ब्लू कलर वेरिएंट मिला हुआ है। ये देखिए इस प्रकार का दिखता है, काफ़ी इम्प्रेसिव डिज़ाइन है। ये है बुकलेट, टाइप सी टू टाइप सी केबल, और ये 65 वॉट का कॉम्पैक्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। तो लैपटॉप की जो बिल्ड और फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो कलर टोन्स दिया हुआ है, यहाँ पर डार्कर शेड है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड है, जो कि इसे यूनिक लुक देता है। इसकी जो बॉडी है ये एल्युमिनियम अलॉय मटेरियल से बनी हुई है, मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है। फील काफ़ी बढ़िया है। नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, फ्लिपकार्ट का स्टिकर भी यहाँ पर नीचे लगा हुआ है। रबर पैडिंग है ताकि अच्छा ग्रिप मिले। कूलिंग वेंट्स है, अंदर फैन भी है, इसे आप देख सकते हैं इन कूलिंग वेंट्स के ज़रिए। और ये दो स्पीकर वेंट्स हैं, इसमें डुअल स्पीकर दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पर ये है SD कार्ड स्लॉट, टाइप सी, कॉम्बो ऑडियो जैक, USB पोर्ट और ये लॉक के लिए, और यहाँ पर है HDMI पोर्ट, जो कि अच्छी बात है, USB पोर्ट, और यहाँ पर एक और टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। तो ये लीजिए, लैपटॉप को मैंने खोल दिया है। जो कीज़ है इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, आपको कंफर्टेबल टाइपिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। वैसे इस लैपटॉप का सेटअप मैंने कर दिया है, बैकलिट कीज़ है, अगर आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं और जो इंटेंसिटी है ये इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये ऑफ हो गया है। अब ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें इंटेल कोर i3 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। टचपैड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, प्लस लेफ्ट और राइट बटन्स इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर पावर बटन है, यहाँ पर इंडिकेटर्स दिया हुआ है। इसका जो हिंज मैकेनिज्म है ये देखिए इस प्रकार का है, और जो लिड है ये बस इतना तक ही खुलता है। एक हाथ से आप आसानी से जो लिड है इसे ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं। इस लैपटॉप में यहाँ पर फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। इसमें इंटेल कोर i3 10th जनरेशन प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। वैसे इससे एडवांस्ड जनरेशन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन ये भी अच्छा है, नॉट बैड। साथ में इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक्स है और ये है PCMark 10 स्कोर। मुझे मिला तकरीबन 3311, जो कि ओके टाइप का है। वैसे मैंने बहुत सारे लैपटॉप्स का रिव्यू किया है, मुझे तकरीबन 6000 के आसपास या उससे ज़्यादा का स्कोर भी मिला हुआ है। तो उससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है ये किस लेवल का है। और जो वीडियो एडिटिंग स्कोर है, ज़्यादा करके जो लैपटॉप्स मैंने टेस्ट किया हुआ है एडवांस टाइप के, i5 या फिर i7 प्रोसेसर के साथ में, उनमें मुझे 4000 के आसपास या उससे ज़्यादा का स्कोर मिला हुआ है। यहाँ पर 2932, जो कि इतना इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब कि इस लैपटॉप पर आप फुल HD वीडियोज़ को तो एडिट कर पाएंगे, लेकिन 4K एडिटिंग इतना सिंपल नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, इम्पॉसिबल होगा इनफैक्ट। लेकिन ये जो लैपटॉप है खास करके स्टूडेंट्स के लिए या फिर वर्क फ्रॉम होम के लिए, स्प्रेडशीट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, ब्राउजिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। ये 14 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 100% sRGB कलर गैमेट सपोर्ट करता है। 300 निट्स ब्राइटनेस है, जो कि मोर देन सफिशेंट है, और ये 4.7 mm अल्ट्रा थिन नैरो बेजल्स के साथ में आता है। ये विंडोज़ 11 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और इसमें जो स्टोरेज है ये NVMe PCIe 3.0 SSD है। LPDDR4X RAM का उपयोग किया गया है। वैसे जो फ्रंट कैमरा है इसके लिए डुअल LED फ्लैश भी दिया हुआ है, जो कि खास करके अंधेरे में काम में आ सकता है। एफिशिएंट कूलिंग के लिए इसमें ICE Strom 1.0 कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। इसमें एक फ़ैन भी है जो कि काफ़ी साइलेंट है, और ये जो सिस्टम है ये बेसिकली जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर, उसे काफ़ी हद तक ठंडा रखता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या आपको इंटेल कोर i3 के लिए जाना चाहिए या फिर इंटेल कोर i5 के लिए जाना चाहिए या फिर i7 के लिए। देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है, आप ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि जो मिनिमम ऑप्शन अवेलेबल है वो है इंटेल कोर i3।
जो कि आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देने वाला है, लेकिन ये जो प्रोसेसर है ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट इंटेल कोर i5 के ले जाइए, जो कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। और ये जो लैपटॉप्स होते हैं इन्हें हम 3 या maybe 5 साल तक भी यूज़ करते हैं, तो नेचुरली फ्यूचर में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी से ही आप बढ़िया लैपटॉप ले लें। वैसे अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इंटेल कोर i7 के लिए भी जा सकते हैं, ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ये जो इन्फिनिक्स का इंटेल कोर i3 वेरिएंट है, ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और ऑफकोर्स आप ऑफिस वर्क के लिए भी इसे काफ़ी हद तक यूज़ कर पाएंगे। वीडियो एडिटिंग स्ट्रिक्टली मैं रिकमेंड करूँगा कि उसके लिए ये परफेक्ट नहीं है। वैसे अगर आप प्रॉक्सी क्रिएट करेंगे तो कुछ हद तक आप वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे, लेकिन 4K वीडियो एडिटिंग इस पर बहुत ही स्लो होगा। अगर आप फुल HD वीडियोस ही रिकॉर्ड करते हैं तो इस पर आप फुल HD एडिटिंग कर पाएंगे वीडियो एडिटिंग। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एस्टिमेटेड अप टू 9 आवर्स का यूसेज टाइम आपको मिल सकता है, और जो 65 वाट का चार्जर दिया हुआ है ये बैटरी को 100% तकरीबन 90 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए भी ये जो लैपटॉप है काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, ये डेफिनेटली स्लिमेस्ट और लाइटेस्ट लैपटॉप है, पोर्टेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है लैपटॉप है। इसका मेन अट्रैक्शन है इसका लुक्स। अगर आप ये लैपटॉप खरीदना चाहते हैं इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।